बहुत बहुत धन्यवाद उप स्पीकर साहब। आप बैठिए, आप बैठिए, 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 बैठो, बैठो। ऑनरेबल मेंबर, मेंबर इज स्पीकिंग, बोलने नहीं दे रहे हैं, वही बात डिस्टर्बिंग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंजाब को सर बोलने नहीं दे रहे, उसको उसको बिठाओ पहले। यू आर नॉट मेकिंग योर पॉइंट, यू आर मेकिंग हाउस ऑर्डर में नहीं है, हाउस ऑर्डर में नहीं है सर, बिठाओ उसको। वो फिर बोल रहे हैं, यू आर पीपल इज ओके, वही तो मेंबर फ्रॉम द अपोजिशन बेंच इज स्पीकिंग, यू आर सटलिंग। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। अभी हम बीजेपी के एक माननीय सदस्य का, उन्होंने कहा जलियांवाला बाग को, अरे इनको चुप करवाओ सर, सर 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 इसको चुप तो, सर आप चुप तो करवाओ ना। यूर यूर टाइम इज रनिंग प्लीज, यूर टाइम इज रनिंग प्लीज, एड्रेस इज सर। प्लीज प्लीज एड्रेस इज सर, यूर टाइम इज रनिंग। मैं प्लीज मैं बोलना चाहता हूं, मैं भी चुन के आया हूं। अभी तक जो माननीय सदस्य बोल रहे थे सत्ताधारी पक्ष से, उन्होंने कहा जलियांवाला बाग एक स्टोरी है। वो स्टोरी नहीं है सर, वो तथ्य है, तथ्य है। तो आप फिर खड़े हो गए, वो तथ्य है, वो स्टोरी नहीं है, वो किसी मुंशी की प्रेमचंद मुंशी की लिखी हुई स्टोरी नहीं है। वो वहां हजार आदमी मारे गए थे सर। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है सत्ताधारी पार्टी से। मिस्टर मान प्लीज एड्रेस सर, मैं एड्रेस करूं सर। 1919 में हुआ था, आज हम 2019 में, 100 साल हो गया उस घटना को। कहां क्या करने गए थे वहां लोग, वो भी नौजवान थे उस समय के। क्या करने गए थे वो, प्लानिंग करने गए थे कि अंग्रेजों को इस देश से कैसे निकालें, उसकी प्लानिंग करें। दुख की बात यह है, आज भी हमारे नौजवान खासतौर पे पंजाब के इकट्ठे होते हैं पार्कों में, वो ये प्लानिंग करते हैं अंग्रेजों के पास कैसे पहुंचेंगे। तो क्या कर लिया फिर हमने, तो उनको मरवाने का क्या फायदा हुआ, फिर उनको शहीद करवाने का क्या फायदा हुआ। काले अंग्रेज आ गए, फिर वहीं आ गए हम। तो सर जलियांवाला बाग, मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूं सर, तो जलियांवाला बाग में जो घटना हुई उसके बाद, जलियांवाला बाग में लोग तो बहुत जाते हैं, वो कुआं देखने जहां पे लोगों ने छलांगे लगा दी थी, लेकिन वहां दिया क्या गया है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया। तो जलियांवाला बाग को अगर याद करना है, आज 100 साल बाद जलियांवाला बाग को, पहली बात तो कांग्रेस ये काली ये बीजेपी से आजाद करो। वो जलियांवाला बाग सबका है, वो किसी का नहीं है, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो तो सबसे आजाद करो इनको। यस यस, मैं कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं, ये किसी के, कोई उसका कांग्रेस का चेयरमैन, कोई उसका अकाली दल का चेयरमैन, कोई बीजेपी का चेयरमैन, उसका कोई चेयरमैन नहीं होना चाहिए। शहीद ऊधम सिंह जिस दिन शहीद ऊधम सिंह जब जलियांवाला बाग गए, वो पिंगलवाड़ा में थे, उनकी ड्यूटी लगी जख्मियों को पानी पिलाने की, उन्होंने मिट्टी उठा के कसम खाई कि मैं इसका बदला लूंगा। 22 साल बाद सुनाम मेरी कंस्टिट्यूंसी में सर, संगरूर में सुनाम एक कस्बा पड़ता है, उसने सुनाम से गया, वो जलियांवाला अपना इंग्लैंड गया, 22 साल बाद बदला लिया। वो योद्धे थे, 22 साल सबर भी किया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन मौका मिला उस दिन बदला लूंगा सर। शहीद ऊधम सिंह के लिए कोई यहां से श्रद्धांजलि, शहीद ऊधम सिंह के लिए कोई यहां
पार्लियामेंट में कोई बुत लगा दो। सर ऐसे ऐसे आदमियों के लिए हम डिबेट तो कर रहे हैं एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा, लेकिन उनके बुत नहीं लगा रहे। ये सावरकर की बात करें, सावरकर ने माफिया मांगी थी, 25 लेटर है सावरकर के। यस 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 यस, हाँ, जब काले पानी में थे, जब काले पानी में थे माफिया मांगी थी कि मुझे माफ कर दो। अरे ऊधम सिंह ने कोई माफी नहीं मांगी सर, ऊधम सिंह ने कोई माफी नहीं मांगी। उसने जनरल डायर को कैंगस्टन हॉल में गोली मारकर अपना पिस्तौल दे दिया था कि मैंने अपना बदला ले लिया 1000 आदमी का। और सर जनरल डायर ने जब 1000 आदमी मार दिया, वहां पे शहीद कर दिया जलियांवाला बाग में, उस दिन रात को डिनर कहां किया था? डिनर कहां किया था सर? सुंदर सिंह मजीठिया के घर पे। ये मैडम आ गई इनके घर पे, पूछो मैं गलत बोला? इनके घर पे डिनर यस डिनर किया था सर सुंदर सिंह मजीठिया ने के घर पे, आपके दादाजी के घर पे। वीरेंद्र सिंह मास सर हॉनरेबल मेंबर वीरेंद्र सिंह मास, आपके घर पे डिनर किया था। आप कैसे बोल सकती हो आपके घर पे तो डिनर किया था, बाद में आपने सरोपा दिलवाया आपने। वीरेंद्र सिंह मास, आप बैठिए बैठो। ऑनरेबल मेंबर इज स्पीकिंग, बोल नहीं दे रहे, वही बात डिस्टर्बिंग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंजाब को सर बोलने नहीं दे रहे, उसको बिठाओ पहले। हाउस ऑर्डर में नहीं है सर, बिठाओ उसको, वो फिर बोल रहे हैं। यूर पीपल इज ओके, वही तो मेंबर फ्रॉम द अपोजिशन मैन जी स्पीकिंग, यू आर सटलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। अभी हम बीजेपी के एक माननीय सदस्य का, उन्होंने कहा जलियांवाला बाग को, अरे इनको चुप करवाओ सर। एड्रेस सर।